कई सालों तक आपने मुझे हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ते हुआ कोर्ट में देखा है, लेकिन एक ऐसी जिम्मेदारी आज भाजपा ने मेरे पे कंधे पे डाली है, जिसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, महाराष्ट्र के भाजपा के अध्यक्ष जी बावनकुड़े जी के अध्यक्ष आशीष जी, इनका बहुत शुक्रगुजार। मुझे ये पता है कि राजनीति ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हमारा देश का संविधान, देश का कानून और देश की सुरक्षिता, ये मेरे प्रायोरिटीज रहेंगे। और ये प्रायोरिटीज के लिए मैं ये जरूर करूंगा कि जो हमारे संसद में इसके लिए क्या सवाल उठाए सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बंबई में कई ऐसे संगीन मामले चलाए जिससे राष्ट्रहित का एक तार जुड़ाई थी। मैंने ऐसे कई बातें देखी भी है और अनुभव भी किया है कि उससे मैं कहता हूं कि कानून ये श्रेष्ठ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, लेकिन आम आदमी पर कोई अंजाम नहीं आए इसके लिए कानून, क्योंकि हमारा भारत का कानून का एक बहुत बड़ा अहम प्रिंसिपल है, 100 गुनेगार छुड़ गए तो चल सकता है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज तक मैं हमेशा मुलजिमों के खिलाफ लड़ता रहा, चाहे वो डेकॉइट हो, चाहे वो गैंगरेप हो, चाहे लड़की पर रेप हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा टेरर एक्ट हो, सोशल ऑर्गेनाइज क्राइम हो, और हमेशा मैंने ये जानने की कोशिश की है कि देश की छवि आज जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक उचित तरह से बढ़ाई है, जिसके आधार पर आज पूरे विश्व में इंडिया का नाम सभी बहुत रिस्पेक्ट आदर से लिया जाता है, और इसको पूरा क्रेडिट मैं हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उनके पूरे सहकारी को देता हूं। लेकिन जहां से मैं अभी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है, ये मुंबई की एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मैं मानता हूं। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को पहले भी मनोहर जी कैलाशवासी मनोहर जी जोशी ने रिप्रेजेंट किया है, रामदास जी आठोले ने किया है, और तरुण युवा पूनम जी ने भी किया है। इन शख्सों ने सिर्फ भाजपा और शिवसेना का नहीं, लेकिन हमेशा देश के हित के बारे में पार्लियामेंट में सवाल खड़े किए हैं, और आम आदमी को किस तरह से शांति मिल सकती इसके बारे में भी उन्होंने सोचा है। मैं आपके माध्यम से यही सबको आश्वासित करता हूं कि मेरी यही कोशिश रहेगी, और इस कोशिश के माध्यम से मैं हमारे देश में जो भी नए कानून आएंगे, जिस कानून से देश की सुरक्षिता और आम आदमी का चलन कैसे सुधारा जा सकता है, हमारा देश का ये वैशिष्ट्य है कि हमारे देश में अलग अलग जात धर्मों के लोग एक होमोजीनियसली रहते हैं, और इसी इंडिया में डेमोक्रेसी आज पूरे विश्व में हमारे देश की डेमोक्रेसी एक अच्छी तरह से, जिसकी सराहना पूरे पाश्चिमात्य देशों ने की है।